अपने कारण हो सकते हैं, उनकी अपनी वजह हो सकती है। फिलहाल केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी सरकार है, क्या आप मांग करना चाहेंगे समता आवाज टीवी चैनल के माध्यम से? यूपीए की सरकार सुनी है जी जी जी, और आप यहाँ तक रेल नहीं पहुँची ना? नहीं नहीं सुनिए, देखिए जो यूपीए की सरकार की बात कर रहे हैं उस समय भी मांग हमारी हुई है, मगर जो अभी की जो मांग है हमारी जो रायपुर से जगदलपुर की मांग है, ये मांग को लेकर हम आए हुए हैं, और इस मांग के लिए हम चाहते हैं कि मांग जल्द से जल्द पूर्ण हो, और नहीं होगा तो इससे आगे भी आंदोलन जारी रहेगा हमारा। मोदी जी, जैसे कि साहब ने बताया कि मोदी जी स्वयं आश्वासन देकर आए हैं, उसके बावजूद क्या लगता है ये जो सरकार है उदासीन सरकार है इस समुदाय के प्रति? देखिए हम आज मांग, जैसे माहौल बना हुआ है, देखिए हमारी मांग है और हमारी मांग निरंतर जारी रहेगी, चाहे जैसा भी स्थिति हो हमारी मांग हम पूरी करने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, और इन आदिवासियों के साथ बस्तर के हर वर्ग के साथ संगठित होकर छत्तीसगढ़ में रेल लाइन लाने के लिए हमारी मांग जारी रहेगी। धन्यवाद। आपको मैं यूपीए की सरकार की बात जी जी, यूपीए की सरकार में जगदलपुर से रायपुर से धमतरी तक जो छोटी लाइन है उसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए स्वीकृति दिया, उस समय बस्तर की मांग नहीं थी? नहीं सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं धमतरी से कांकेर जो उसी लाइन की बात है, ये उसी रास्ते की बात है, धमतरी से कांकेर के लिए सर्वे के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया, किरंदुल से मनगुरु के लिए उन्होंने सर्वे करने के लिए स्वीकृति प्रदान किया, मलकानगिरी से दंतेवाड़ा का सर्वे करने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया, ये सब स्वीकृत हो चुका है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई भारतीय जनता पार्टी की, ये सारी जो स्वीकृतियाँ हैं ये सुन नहीं करती। आज बस्तर से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी पहुंचे हैं दिल्ली से जंतर मंतर, सैकड़ों की संख्या आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और 1500 किलोमीटर की दूर की यात्रा, इनमें से आधे से ज़्यादा आदिवासी वो हैं जिन्होंने कभी रेल की शिकल भी नहीं देखी थी, और इनका जो आज का धरना है वो रेल को लेकर है। हमारे साथ एक युवा है जो स्वयं बस्तर से चलकर आए, परिचय दीजिए अपना। सर मैं बस्तर का एक आम नागरिक आशीष मिश्रा, जो कि अपने हक की लड़ाई जो हम लोगों ने सड़क पे लड़ी है, चाहे वो हस्ताक्षर अभियान के रूप में हो चाहे मिस कॉल के रूप में, हम लोगों ने लोगों से समर्थन मांगा, लगातार केंद्र सरकार के से पत्र वार्ता भी की, लेकिन अभी तक हमारे हक की लड़ाई का कोई हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सभी ने ठानी कि बस्तर से चल करके 1500 किलोमीटर दूर हम जितना हो अपने क्षेत्र की आवाज़, अपनी मिट्टी की आवाज़ बुलंद कर सकें, उसके लिए आज हम दिल्ली आए हैं अपनी मांगों को। बस्तर में पिछले दिनों मोदी जी गए थे, पर उन्होंने ये आश्वासन दिया है बस्तर की जनता को कि वो जल्द ही जो समस्याएं हैं वहाँ की उनसे निपटने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है जो वर्तमान सरकार है उदासीन है आदिवासियों की समस्याओं के प्रति। मोदी जी जरूर आए, आते रहते हैं बस्तर, कईयों दौरे हुए, लेकिन जो समस्या है वो अभी भी ज्वलंत है और अभी भी बनी हुई है। बस्तर की मुख्य समस्याओं में से एक बड़ी समस्या है रेलवे लाइन की, क्योंकि हमें चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, चाहे रोजगार हो, उसके रूप में हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो राजस्व का प्राप्त होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, बस्तर के लोहे से ही मिलता है। लेकिन जब आप लोहा उत्खनन करते हैं उसके लिए आप मालगाड़ियां लगा रखी है, लेकिन जब ग्रामवासियों को, हम लोगों को, जब हम अपनी हक की बात रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई देती है केंद्र सरकार हमको, क्योंकि हर बार के बजट में बस्तर को कहीं ना कहीं हमेशा से छला जाता है। तो इसके लिए हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जो आज हम व्यक्त करने के लिए दिल्ली पहुंचे। जनता आवाज के माध्यम से आप क्या मैसेज प्रधानमंत्री जी को पहुंचाना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से, आदरणीय मीडिया साथियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बस्तर में एक रेलवे कॉरिडोर का निर्माण हो, जिससे वहां के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए एक अच्छा माहौल बने,
और बस्तर का डेवलपमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। जी, कहीं ना कहीं जो पिछड़ापन है बस्तर का वो रेलवे आने से कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक ठीक होगा। रेलवे आने से निश्चित रूप से विकास में और तेजी आएगी। जी।